आज हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है जब कर्क राशि के लोग किसी घमंडी का घमंड तोड़ते हैं। तो वही एक चीज तो मान के चल लीजिए कि कर्क राशि वाले जिद्दी, और उनके सामने अगर कोई घमंड दिखा दे तो ये समझ लो कि उससे जो है एक तरह से उसने अकाउंट खोल लिया है कर्क राशि की लाइफ में। कर्क राशि वाले लोग जो है हर एक पॉसिबल मौके पर, हर एक मुकाम पर, हर एक जगह पर उस आदमी को नीचा दिखाएंगे और उसका घमंड तोड़ देंगे बिल्कुल। और वो अगर उनको लगेगा कर्क राशि वालों को कि इनका घमंड बहुत ज्यादा है तो मुंह पे भी बोल के आएंगे। मुंह फट होते हैं बिल्कुल कर्क राशि के लोग, बिल्कुल सामने से बोलते हैं अप फ्रंट और बोलते हैं तुमसे जो होता हो कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास घमंड ही है और कुछ नहीं है। और कर्क राशि वालों के जो दोस्त होते हैं वो बड़े ही पहुंच वाले लोग होते हैं, ऐसे वैसे नहीं, लेकिन कर्क राशि वालों में घमंड नाम की चीज नहीं मिलेगी आपको। थोड़े जिद्दी होंगे, लेकिन जिद्दी होना और घमंडी होना दो अलग अलग चीज है। घमंड इस तरह का, वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज्यादा मेल जोल लोगों से बना के रखते हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। और जब वो कटाक्ष करते हैं इन घमंडी लोगों पे तो डायरेक्ट करते हैं बिल्कुल, कोई शब्दों का वो नहीं करते, बिल्कुल भी मिंस नहीं करते उनको, और बिल्कुल सीधे सीधे बोलते हैं कि आपने ये गलत किया और आपका ये घमंड था, आपका ये एरोगेंस था, जिसकी वजह से ये जो एरोगेंट लोग हैं ये हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो, चाहे मार्केट हो, हर जगह आपको एक ना एक घमंडी आदमी मिल जाएगा। जहाँ कहीं पे भी आप काम करते होंगे, या आपका ससुराल हो, या आपका जो है मायका हो, हर जगह पे आपको कोई ना कोई एक ना एक घमंडी आदमी जरूर होगा जिसको आपने टैग कर रखा होगा। और धीमे धीमे देखते हो इन घमंडी लोगों का जो है किस तरीके से डाउनफॉल शुरू होता है। भगवान सबको देखता है। घमंड तो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का नहीं रहा, ये तो इंसान है, इनकी तो चीज क्या है। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें और बताना चाहते हैं कि अगर कर्क राशि वाले जो अगर हैं, अगर उनको हम देखें तो यहाँ पर वो जो है चंद्रदेव हैं उनके स्वामी, और चंद्रदेव जो है वो बिल्कुल एक तरीके से शीतलता प्रदान करते हैं, और जितना जितना उनके उसमें हेर फेर आता है हर बार, हर एक जो 15 दिन में 20 दिन में इतना शायद ही किसी में आता हो। कर्क राशि वालों के ना तो कोई परमानेंट दोस्त होते हैं ना कोई परमानेंट दुश्मन होते हैं, वो समय के हिसाब से और कालचक्र के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। यही वजह है कि अगर 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 घमंडी लोग अगर सत्ता में बैठे हैं तो उनका विरोध शायद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि उनके बारे में बात जरूर करेंगे, जो भी है वो खुल के बोलते हैं बिल्कुल, और ये उनकी शानदार चीज है। तो क्या होता है जब कर्क राशि के लोग किसी घमंडी का घमंड तोड़ते हैं? कर्क राशि वाले दूर कोने में खड़े होकर के हंस रहे होते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है, और वो मन ही मन जो है आनंद ले रहे होते हैं किसी के घमंड को टूटते हुए देखने का। बहुत सारे लोगों का घमंड हमने भी टूटते हुए देखा है, और जब उनका घमंड टूटता है तो वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते, और कर्क राशि वाले उस पल को बहुत एंजॉय करते हैं जब जो है किसी घमंडी का घमंड टूटता है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।